लखनऊ के अंबेडकर पार्क में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। यहां पार्क में मौजूद हाथी की मूर्ति चोरी हो गई है। चोरी का ऐसा अंदाज किसी ने न पहले कभी देखा और न ही सुना। चारों ओर लगे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के बावजूद हाथी की मूर्ति को चोरों ने हर लिया। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। चोरी की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले हम इस मामले की पूरी जानकारी समझाते हैं। दरअसल लखनऊ के गोमती नगर में 1090 चौराहा स्थित अंबेडकर पार्क के फुब्बारे में हाथियों की छोटी बड़ी कई मूर्तियां लगी हैं। पार्क के मेन गेट के पास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जो हर छोटी और बड़ी चीज पर नजर रखते हैं। इसके अलावा रोज दोनों समय हाथियों की मूर्तियां गिनी भी जाती हैं, जिसका रिकॉर्ड उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है। अब ऐसे में चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच मूर्ति कैसे चोरी हो गई? हालांकि चोरी होने के बाद वहां तैनात कर्मचारियों से लेकर सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि चोरी होने के बाद वहां पर तैनात कर्मचारियों से लेकर सभी तथ्यों पर जांच जारी है। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।